Baby? Baby? जब स्वीटी से मेरी शादी हुई थी मुझे तभी पता चल गया था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। आधे घंटे से जगान लग रही हूँ, कित है मेरी चाह। लेकिन पता नहीं था इतनी ज्यादा बदल जाएगी। वो बेबी, मैं ना रात को लेट तक काम कर रहा था तो इसलिए सुबह मेरी आँख नहीं खुली। एक खुलगी, खोलू। हाँ खुल गई, तुम बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। अब बैठो, मैं भी चाय बना के लाया। ओ बेबी स्वीटी, आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? अरे तन्ने ते बेराए होगा, मैं फालतू किसी से बात ना करती, बस तेरे ते कर लूं कदे कदे। ओ शिट, दूध क्या होया? रात में पूरे दूध की कॉफी तने बना ली तने? नहीं बेबी, मेरे को पता है आपको सुबह उठते ही चाय चाहिए। ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, कोई काम तो ढंग का कर दिया तने। पर यो केस है? बेबी मैंने ना कल न्यूज में देखा था, ग्रीन टी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और ये ग्रीन टी है। पर तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी फिकर करता हूँ। कितना बढ़िया पति मिला है मन्ने। चल ये पैर दबा दे। इब कौन आया होगा? कौन आया होगा, हमारे मंगते पड़ोसी होंगे, देखो आज क्या मांगने आए होंगे। चल मैं दरवाजा खोलूं, तू बैठ। नहीं नहीं मैं भी चलता हूँ। चल फिर। नमस्ते भैया जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते मिस्टर मंगता जी। नमस्ते मिसेस मंगती जी। क्या? हमारा मतलब है नमस्ते मिस्टर मेहता जी, नमस्ते मिसेस मेहती जी। और आज के लेने आए हो? वैसे तो मैं कहाँ कुछ मांगने आती हूँ, पर अब बोल ही दिया है तो थोड़ा दूध दे दो। हाँ जी हाँ जी, लाओ। बेबी। हाँ बेबी। सारा दूध खत्म कर दिया तूने? बेबी मैं और ले आऊंगा ना। बात दूध की ना है, तू झूठ भी बोलने लग गया मेरे से। बेबी सच बोलता तो तुम मुझे मारती। मैं मार करूं? क्यों पड़ोसियों के सामने मेरी बेइज्जती करने लग रहा है? मंगती जी ऐसा लग रहा है इनके घर में लड़ाई हो रही है। चलो चल के देखते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो चलो। मुझे लड़ा पागल औरत, तू हजार गलतियां करती है, मैं कुछ कहता हूँ और मेरी छोटी छोटी गलतियों पे तू चंडी बन जाती है। अच्छा आज तू गिनवाई दे मेरी सारी गलतियां। भाभी जी शांत हो दो। लोग लुगाई के बीच में बनना पड़े तू, ले तू बीच में। अरे भाभी मैं कहाँ बीच में आ रहा हूँ, मुझे तो जबरदस्ती लाया जा रहा है। भगवान ने तुझे दो आंखें दी है, चावल में से कंकर तो निकाल नहीं पाती, तू मनुष्य औरत। हाँ तो भगवान ने 32 दांत भी तो दे रखे तेरे से, दो चार कंकर ना चबा सकता तू। अरे भगवान ने मुझे एक सर दिया, कम से कम उसे तो छोड़ दो। मिस्टर मंगता आप मर तो नहीं गए? मिस्टर मंगता आप मर तो नहीं गए? जिंदा हूँ। सॉरी मंगती जी, दूध तो खत्म हो गया, तुम काल आ जाइयो। अब तो दूध चाहिए भी नहीं, एक तो दर्द की दवाई हो तो वही दे दो। हेलो, वेरी गुड इवनिंग सर, हमें कंप्लेंट मिली है आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है। हाँ बोल सर। फिर आपने अपना कार्ड ब्लॉक कराने से मना क्यों कर दिया? भाई यकीन मान, जब से कार्ड डीवी की जगह चोर यूज कर रहा है ना, बिल आधे से भी कम आ रहा है। सर एक सवाल पूछूं? हाँ बोल। सर कहाँ से चोरी हुआ है? मैं भी अपनी बीवी को वहीं भेजूंगा। क्यों यार, किससे बात चल रही है? किसी से नहीं, ऑफिस का फोन था। अच्छा सुन, आज से छुट्टी होगी तेरी,
आज तुमने शॉपिंग पे ले चल। बेबी आज ना मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। पैर में दर्द? आ दबा दू। बेबी मेरे है ना गले में भी बहुत दर्द है। गला भी दबा दू? क्या? अरे मेरा मतलब है दवाई ला देती हूँ, तू आराम कर। अरे पंकज भाई साहब चलना नहीं है क्या? हाँ चलो। वैसे है ना मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, पर ठीक है पास में ही चलना है, चलते हैं। बेबी मैं बस 5 मिनट में आया। चलो भाई साहब। हेलो। हेलो। अरे यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरा लोग दिन पे दिन झूठा और फरेबी होता जान लग रहा है। बस मेरा पति तो झूठा फरेबी और कमीना भी होता जा रहा है, और अब तो बहन इस पे पिटाई का भी कोई असर नहीं होता। अरे जीजी का भी यो हाल है, मार खा खा के ना ई का भी शरीर पत्थर का हो लिया। पता है तुझे, पूरे 7 दिन हो गए हैं और इसने मुझे अभी तक कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। के बात करे है? हाँ यार बहुत ही तंग आ चुकी हूँ मैं इससे, पर आज सोच रही हूँ इसी के जूतों से इसको पीट दूँ। जूतों की पिटाई सही है के? हाँ असरदार तो है। चल फिर मैं भी आज ट्राई करूंगी, तू और बता। अरे शर्मा जी कहाँ रहते हो, आजकल दिखाई नहीं देते। बस क्या बताऊँ यार, बॉस बिजी रखती है। बॉस बिजी रखती है? तेरा तो खुद का बिजनेस था रे। हाँ वो तो है, पर मैं शादीशुदा भी तो हूँ। अच्छा शर्मा जी एक बात बताओ, उस बीवी को क्या बोलेंगे जो शांत हो, सुंदर हो, आपसे कभी नाराज भी ना हो और आपका ध्यान रखे? अफवाह। अरे शर्मा जी एक मैं पूछो, उस पति को क्या कहेंगे जो अपनी बीवी के नाम से डरता हो, आवाज सुन के कांप जाता हो और उसके सामने अपना मुंह ना खोल पाता हो और उसके सामने अपनी आवाज ही ना खोलता हो? मुझे नहीं पता पांडे जी। अरे पांडे जी ये तो बहुत सिंपल है, उसे कहेंगे शर्मा जी। अरे क्या करते हो, एक आधी जू तुम्हारे मुंह के अंदर चली जाएगी। अरे कोई नहीं मेहता जी, मैं नॉनवेज खाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बीवी से डरता हूँ? अबे शर्मा जी ये पूछ रहे हो बता रहे हो? तुम दोनों ने मिलके मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया है। चलो मैं तुम्हें दिखा दूं मैं अपनी बीवी से कितना डरता हूँ और कितना नहीं। चलो मेरे साथ। चल मेहता जी चल। भाई तुम यही रुको, तुम घर में आओगे तुम्हारे सामने बीवी को मारूंगा अच्छा नहीं लगेगा। शर्मा जी थोड़े कम मारना। देख कर यही से आवाजें सुनना, यही तुम्हें सारी आवाजें सुनाई दे जाएंगी। ठीक है शर्मा जी ऑल द बेस्ट। सुटिए क्या हुआ फैला रखी है मेरे बारे में कि मैं तुझसे डरता हूँ? चुप, तू आज कुछ नहीं बोलेगी, मैं बोलूंगा और तू सुनेगी। हर जंगल का एक शेर होता है और इस जंगल का शेर मैं हूँ। आज से जो मैं बोलूंगा सिर्फ वो होगा, पर मुझे लगता नहीं तू ऐसे मानेगी। नहीं लगता मुझे, रुक आज भी छोड़ूंगा मैं तुझे। अरे रुक जाना यार, सुनाई नहीं दे रहा, शर्मा जी अपनी पत्नी की दुनाई कर रहे हैं। भाभी जी फिर अंदर? सही कह रहा भाई, अंदर कौन था? आज नहीं छोड़ूंगा मैं स्वीटी तुझे, और मैं तुझे जान से मार दूंगा। अबे तू कैसा इंसान है, मर्दों की नाक कटवा रखी तूने निकम्मे आदमी। अभी भी वक्त है अपनी इज्जत बचाने का, परसों शाम में पार्टी है, अगर तू उधर आया तो हम लोग समझ जाएंगे कि इस पति में अभी भी मर्द जिंदा है, वरना।
बेबी कल वो मुझे एक पार्टी पार्टी मेरा मतलब है कल ना मेरी एक बिजनेस मीटिंग है एक पार्टी के साथ कल कोई मीटिंग मीटिंग ना है कल मेरे भाई का जन्मदिन है और हम उड़े जाएंगे हाँ मैंने भी यही बोला मैंने कहा कल मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता और किसी कीमत पे नहीं आ सकता बीवी पहले और बीवी का भाई पहले है और वैसे भी यूएसए की तो कंपनी है नहीं जाऊंगा मैं पिट पिट कैसे उधर गया लग गया है हाँ मैं फोन कर दूं जरा वो डायमंड रिंग तो कैंसिल करा दूं डायमंड रिंग हाँ बिजनेस मीटिंग बहुत बड़ी थी बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला था तो तुम्हें सरप्राइज दे रहा था डायमंड रिंग लाके अरे तू पागल से के काम सबसे पहला होया करे अरे साले मेरा मतलब है मेरे भाई का जन्मदिन तो फिर भी आ जाएगा पर इसी अपॉर्चुनिटी बार बार ना आती तो फिर मैं मीटिंग में चला जाऊं हाँ हाँ बिल्कुल डायमंड रिंग पक्का जाऊं ना हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है मैं तैयारी कर लेता हूँ ओके हेलो क्या हुआ आज तो बड़ी खुश है तेरे जीजा मने डायमंड रिंग गिफ्ट करे है क्या बात कर रही है तेरा पति तो देवता निकला मेरा पति तो रिंग के नाम पे की रिंग ही दे देता है अरे तू टेंशन मत ना ले वे मेरा जीजा भी तो ना डायमंड रिंग गिफ्ट करेगा उन्हें छोड़ तू बस अपना ध्यान रखियो मिसेस चड्डा के पति ने भी यही किया था रिंग का लालच देकर चल छोड़ तेरा पति ऐसा नहीं करेगा के ना करे अरे छोड़ ना यार बता ने कहीं तुझे प्यार दिखा के गिफ्ट दिलाकर सूमड़ी में बूमड़ी मतलब अरे किसी और औरत का चक्कर के इसकी तो हरकतें भी कुछ दिन आते इसी से है यूं तो मैं किसी से मतलब नहीं रखती लेकिन पिछले हफ्ते मेरी कॉलोनी में 5 पति पकड़े गए के यार तू बता ना के करूं शर्मा जी आखिरकार तुम्हारे अंदर का मर जाग ही गया पांडे जी वंस अ मर्द ऑलवेज अ मर्द शर्मा जी शिकार करना भूल गए या फिर याद है मिस्टर मंगता जी देखो और सीखो हेलो जीजू आप क्या तू आ रहा है तू तो बिजनेस मीटिंग में जा रहा था मैं फटाफट काम निपटा के तुम लोगों के पास आ गया तुमसे इम्पोर्टेंट कोई बिजनेस थोड़ी ना मेरा कितना बढ़िया पति मिला है मैंने अच्छा बैठ जा डिनर कर ले हैं फिर केक भी काट लेंगे हैप्पी बर्थडे साले साहब पर तन्ने क्यों कर बेरा पट्टा मारे आ रहे हैं साले साहब का मैसेज पढ़ लिया था व्हाट्सएप पे तो बस इसी जगह सीधा पहुंच गया तुम्हें सरप्राइज देने के लिए पर जिस जगह हम जाने आने थे वहां तो फुल थी फिर आए हैं हमारे फुल थी हाँ और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताओ उस वीडियो का पार्ट 2 आपको चाहिए या नहीं चाहिए और हाँ हमारे चैनल बकलोल वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करना रेड वाला बटन है गाइस दबा देना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना क्योंकि सारे ब्लूपर्स और जो भी अपडेट है आपकी हमारी बातें वहीं पे होंगी तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बहुत जरूरी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है बाय बाय अबे हम बकलोल है बक 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 बक